फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम पार्लर जैसा मैनीक्योर घर पर कैसे कर सकते हैं और अपने हाथों को पार्लर जैसा सुंदर और ग्लोइंग स्मूथ सॉफ्ट कैसे बना सकते हैं। और अगर आपके हाथ काफ़ी खुरदरे हैं, बहुत डल है उनकी स्किन और आपके नेल्स की स्किन काफ़ी काली पड़ गई है, आपके नेल के आसपास का एरिया काला पड़ चुका है, आपके जो हाथ हैं, आपकी फिंगर्स हैं, उन पे सन टैन हो गया है, तो आपको मैनीक्योर करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप मैनीक्योर घर पे ज़रूर करें। ये बिल्कुल ही पार्लर जैसा मैनीक्योर होगा दोस्तों, आपके हाथ इससे काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे, सन टैन जैसा प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके स्टेप्स को हमने कैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने लेना है एक बड़ा सा बाउल, उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी आपने डालना है। गर्म पानी रखें जिसमें आप अपने हाथ डिप कर सकें, और उस गर्म पानी में आपने थोड़ा सा शैम्पू मिक्स करना है। शैम्पू को उसमें मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करें और 5 मिनट तक अपने हाथों को उस बाउल में डिप करके रखें। दोस्तों, इससे आपके खुरदले हाथ बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, स्किन काफ़ी स्मूथ होने लगती है और जो शैम्पू है वो स्किन का जो डार्क एरिया है उसे लाइट करने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, उसके बाद 5 मिनट के बाद आपने एक ब्रश लेना है, बहुत ही लाइट और स्मूथ ब्रश होना चाहिए। उससे आपने अपने नेल्स को और अपने पूरे हाथों को आगे से और पीछे से अच्छी तरह से स्क्रबिंग करना है उस ब्रश की हेल्प से। इससे आपके हाथों पे और आपकी स्किन में जो डस्ट फंसा होगा वो निकल जाएगा, सन टैन जो होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर आपकी डल स्किन है वो भी बहुत ही जल्द स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने साफ पानी से अपने हाथों को वॉश कर लेना है और टॉल की हेल्प से आपने अपने हाथों को पोंछ लेना है। दोस्तों, आपको अपने हाथ काफ़ी स्मूथ, सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगेंगे। सेकेंड स्टेप के लिए दोस्तों, अगेन आपने एक बाउल में गर्म पानी रखना है, गर्म उतना ही गर्म होना चाहिए जिसमें आप अपने हाथ को डिप कर सकें। और दोस्तों, अब उसमें आपने डालना है 4 चम्मच लेमन, उसमें डालना है लेमन जूस, और आपने उसमें डालना है 4 ड्रॉप्स ग्लिसरीन। अब अगेन आपको 5 मिनट तक अपने हाथों को इस गर्म पानी में डुबोकर रखना है, 5 मिनट तक इसमें रखें। नींबू को आपने अपने हाथों पर, नेल्स पर अच्छी तरह से, फिंगर्स पे रब करना है, रगड़िए अच्छी तरह से, ताकि उसकी जो डेड स्किन है हमारे हाथों की वो निकल जाए, डस्ट फंसा है वो निकल जाए, स्किन काफ़ी सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग हो जाए, स्किन काफ़ी ज़्यादा शाइनी भी हो जाए। तो दोस्तों, 5 मिनट के बाद आपने अपने हाथों को अगेन साफ गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है और अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। तो फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप में हम बनाएंगे हाथों के लिए एक मास्क, जिसे आप स्क्रब भी बोल सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा, 1 चम्मच हमें लेमन जूस चाहिए, 1 चम्मच हम एलोवेरा जेल इसमें डालेंगे, और गुलाब जल की हेल्प से हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इस पेस्ट को हम अपने हाथों पे अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। और दोस्तों, आपने 5 मिनट तक अपने हाथों की अच्छी तरह से स्क्रबिंग करना है, अच्छी तरह से मसाज करनी है, और इससे दोस्तों आपके जो डार्क नकल्स हैं, रिंकल्स हैं, डार्कनेस आपके हाथों की है, पिगमेंटेशन, डार्क पैचेस, सन टैन, ये सब रिमूव हो जाएगा, और दोस्तों डेड सेल्स जो हैं वो भी रिपेयर हो जाएंगे। तो आपने 5 मिनट तक स्क्रबिंग करना है और उसके बाद 2 मिनट के लिए रेस्ट करें। 2 मिनट के लिए स्क्रबिंग ऐसे ही अपने हाथों में छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद आपने फिर अपने हाथों की अगेन मसाज करनी है। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद आपने अपने हाथों को हल्के गुनगुने पानी से धो लेना है और पोंछ लेना है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं 4th स्टेप की तरफ। 4th स्टेप में आपने अपने हाथों को करना है मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने हाथों को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करें। जो भी मॉइस्चराइज आप यूज़ करते हैं उसे यूज़ करिए, या फिर बेबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। दोस्तों, आपका मैनीक्योर जो है वो बिल्कुल ही कम्प्लीट हो चुका है। अब आप अपने हाथों को देख सकते हैं, आपके हाथ काफ़ी ज़्यादा नरिश हो चुके हैं, रिंकल्स फ्री हो चुके हैं, स्किन काफ़ी स्मूथ सॉफ्ट हो चुकी है। और आप 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार मैनीक्योर कर सकते हैं। इससे आपके हाथ रहेंगे हमेशा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय।